गुड मॉर्निंग गाइस, एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज की सुबह हमारी हो चुकी है, काफ़ी अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है आज की सुबह की, वरना वो नाश्ता पानी भी हो चुका है अभी। तो अभी नहाते वरते हैं और कपड़े वड़े पहनते हैं नहीं है, और देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, आज का दिन कैसा निकलने वाला है हमारे लिए। थोड़ी तबीयत डाउन डाउन लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि सही रहेगी, है ना। फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो आपको हर चीज़ अपडेट में दिखा दी जाएगी। ब्लॉग का पूरा देख ही लेना गाइस, है ना। टेक केयर। तो गए थे डॉक्टर को दिखा लिया है, क्या नंबर करने के लिए बोला है, तभी जा रहे हैं हम जांच वगैरह लेके, मतलब लेब वगैरह हमें सभी खोलते हैं, लिफ्ट वगैरह, क्योंकि हमें बीपी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तभी चलते हैं, लिफ्ट खोलते हैं और मिलाते हैं आपको फिर 11 नंबर चल के। तो काफ़ी दर्द भी है भाई किडनी स्टोन का, लेकिन अभी अपन इंजेक्शन लगवाया तो काफ़ी आराम है, और अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर को, फिर देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो भाई अभी अपन कराए गए हैं सीटी स्कैन, अभी बोला है 1.5 घंटे के लिए, तो अभी टाइम हो रहा है 3:26, तो अभी आते हैं 1.5 घंटे के बाद, चलते हैं घर पर। अभी आए वापस घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम है 1.5 घंटे का। तो देखो बाहर का माहौल मस्त हो रहा है, देखो हाँ। तो चलते हैं अभी तो वापस से। तो गाइस अभी 1.5 घंटे में काफ़ी टाइम है, तो अभी अपन चल रहे हैं अपना दोस्त के यहाँ पे, एक होटल है तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा आराम आराम करते हैं, मुँह धोएंगे वहाँ पर ही और दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो अभी तो निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस चेक इट। तो गाइस फाइनली 1.5 घंटे के बाद आ चुके हैं अभी, और अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ मैं, 5:05 हो रहा है अभी, लिफ्ट के बाहर खड़े हुए हैं। तो अभी चलते हैं अपनी रिपोर्ट वगैरह लेते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है, चलते हैं गाइस। राम सिंह सीटी स्कैन आ चुकी है, और अभी अपन जा रहे हैं रूम नंबर 4 में डॉक्टर राम सिंह मीणा जी को दिखाने के लिए। तो अभी यहाँ पर लिफ्ट का अपन ने बटन दबा दिया, आ रही है अभी, है ना, अभी आ रही है। तो वेट करते हैं, वो चलते हैं रूम नंबर 4 में। भाई सभी ऊपर आए होते हैं, फिर ऊपर से वापस से मैं नीचे भेजा गया कि नीचे जाओ आज का। तो भी आपको मैं दिखाता हूँ, पकड़ना भाई एक मिनट, पकड़ना पकड़ मैं दिखाता हूँ आपको। देखो भाई अपने बढ़ चुकी है वापस से, 8 mm की हो चुकी है, पहले अपने 6 थी तो 8 हो गई भाई, ये 8 mm की तो बढ़ चुकी है भाई, तो बड़ी दिक्कत आ गई देखो। लेकिन कोई ना, अभी चलते हैं नीचे और कराते हैं यहाँ पे जो भी है, फिर दिखाते हैं आपको क्या होगा। तो गए थे डॉक्टर का दिखाई लिया है, जो भी है कह करे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो अभी आए हम शॉपिंग करने के लिए ट्रेंड्स में, देख के आते हैं कोई अच्छा माल पड़ा होगा, शर्ट वगैरह तो लेके आते हैं भाई। तो अभी जा रहे हैं ट्रेंड्स में शॉपिंग करने के लिए, तो चलते हैं गए, तो दिखाते हैं क्या स्टॉक क्या नहीं है, चलो भाई। तो वैसे भी देख रहे हैं कौन सी शर्ट लेनी, पर अपने पास पैसे पड़ी हुई भाई, तो कोई नया स्टॉक आ ही नहीं रहा यार, ब्लैक पेंट चेक करते हैं पता चल गया ना। एक शर्ट लिए जो भी पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन थोड़ी पुरानी टाइप हो गई थी, तो वो लिए अभी। और सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको, माधोपुर का भी क्या हो रहा है व्यू। देखो सामने रणथंभौर गेट, गणेश जी के जाते हैं रास्ता, तो देखो ये सामने का व्यू हो चुका है, ये कौशल भाई, ये विकास भाई, और अभी चलते हैं सीधा घर पे, उठाते हैं अपनी हायाबुसा और निकलते हैं सीधा घर पे भाई। नमस्ते दोस्तों, एक और नए सुबह के साथ अभी का स्वागत है। और गाइस कल रात आपको पता ही है कि अपन दिखा के आए थे, अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है अभी, किडनी स्टोन अपन को खुआ पड़ा हुआ है भाई अभी लपक के। तो बस यही है भाई, कल दिखाने गए थे, कल ज़्यादा दर्द था, है ना। तो पहले 6 mm के थे, अभी 8 की हो चुकी है, तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी, है ना। तो कल आया मैं, कल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पिटी गलती भाई, काफ़ी ज़्यादा दर्द था, है ना। तो सब चीज़ें देख के मैं इंजेक्शन वगैरह लेके सो गया था भाई, तो आपसे बातचीत हो नहीं पाई थी मेरी, है ना। तो फिर मैं भी सुबह उठा तो आपसे बातचीत करते हैं भाई इस चीज़ को लेके,
है ना। तो अभी अपन गोली दवाई वगैरह लेके, अभी दिन के शायद तक 2 बज रहे हैं, 2 या 3 बज रहे हैं, अभी सो के उठा हूँ मैं, है ना। और अभी गोली दवाई लेके फ्री हुए हैं, मेरे को सामने पड़ी हुई है गोली दवाई भी, अभी मैंने ली भी, अभी लेके निपटाई हूँ, वही यहीं पड़ी हुई है अपने सारी गोली दवाई वगैरह सब। और काफ़ी काफ़ी सीवियर पेन था, तो बस यही कहना चाहूँगा भाई, सब ज़्यादा ज़्यादा पानी पियो भाई, क्योंकि ताकि आपके ऐसी जगह दिक्कत ना हो, है ना। और अभी भी इतनी कोई कंडीशन सही नहीं है भाई, क्योंकि ज़्यादा देर बातचीत करने में और खड़े रहने में भी ऐसी ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है भाई, है ना। तो बस ये सब चीज़ें हैं भाई, और तो कई चीज़ें हैं, बस इसमें दिक्कत यही है भाई कि बैक काफ़ी ज़्यादा पेन करती है ना। तो काफ़ी सीवियर पेन रहता है, जिन लोगों के हो रही है पहले से उन लोगों को पता है भाई कैसा दर्द होता है ना। तो बस यही है कि यार दर्द कोई सा भी हो बहुत ख़राब रहता है भाई, समझ रहे हो ना यार भावनाओं को भाई, वो सब चीज़ें हैं। तो बस सब लोगों से यही है भाई, पानी पियो, मस्त आराम करो, सो खाओ पियो, कोई तंत्र नहीं है ज़िंदगी में, कौन कब ज़िंदगी से निकल ले भाई, है ना, वही बात है बस। ब्लॉगर भैया टाइम पास करते हुए गाइस कार ले लिया, पर मैं बस तो कार वाम मत करिए, अरे वो देखो तो लगता है तेरे, अरे भैया हाँ भाई साहब वो ब्लॉगर भैया गए गाइस आउट हो गए। तो गाइस अभी फाइनली जा रहे हैं अपन, मतलब माधोपुर आए हुए थे तो अभी जा रहे हैं गांव, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत वगैरह भी ठीक है, तो अभी भुआ जी वगैरह भी जा रही है मेरे साथ में, तो अभी चलते हैं, थोड़ा आराम भी है, रिलैक्स भी है भाई, है ना, गोली दवाई से फ़र्क भी है ना। तो अभी निकल रहे हैं सीधा रेलवे स्टेशन पर और चलते हैं सीधा घर पर, फिर घर से गाँव से सीधा अपना जो गाँव मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ निकलूँगा भाई, क्योंकि तबीयत इतनी कंटिन्यू सही नहीं है, तो हिसाब से मुझे ऐसे इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर लोग हो, डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था हो, है ना, उन सब चीज़ों को देखते हुए अभी तबीयत सही है। तो 2 दिन रुक गया मैं यहाँ पे, अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, काफ़ी फ़र्क भी है ना। तो आज अभी निकलते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, नहाते वाते हैं और सीधा निकलते हैं फिर, और आपसे मिलते हैं फिर आगे चल के, है ना, आपको अपडेट मिलती रहेगी तबीयत वगैरह की क्या है क्या नहीं है। और ऑपरेशन वगैरह का कुछ इशू है, तो अभी 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है, उसके अंदर अगर रिकवरी हो जाती है तो दिक्कत वाली बात नहीं, वरना फिर ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन है अपने पास भी भाई। तो यही कहना चाहूँगा भाई, ज़्यादा पानी पियो तुम लोग भी, है ना, और अभी चलते हैं भाई। तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, जूते वगैरह पहन लें और चलते हैं अभी गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं और देखते हैं, अभी बस में अभी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम है ना, तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चलना है अपन को, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, काफ़ी भीड़ है भाई आज, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम भी सारी पब्लिक जा रही है ना। तो अभी निकलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और दिखाते हैं वहाँ का व्यू आपको, कंटिन्यू बने रहिए आप ब्लॉग के अंदर, है ना, और आज तबीयत भी काफ़ी सही है। अपन प्लेटफॉर्म 3 पर जहाँ पर अपनी ट्रेन आने वाली है ना, तो ये वाला प्लेटफॉर्म पूरा खाली पड़ा हुआ है, देखो भाई ये ट्रेन में भी काफ़ी टाइम है, देखो भाई सभी जा रहे हैं अपन थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी भाई क्या ही है, पीछे पीछे की तरफ था ये, तो अभी आगे की तरफ निकल रहे हैं अपन सीधा यहाँ से, और आपका एक व्यू भी दिखाता रहूँगा मैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेन लेट भी हो चुकी है अपनी, है ना, 10:40 के आसपास का टाइम आ चुका है वहाँ पर, जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पर, तो लेकिन काफ़ी अच्छी वाइब आती है रेलवे स्टेशन पे भाई, एक अलग ही क्वालिटी वाइब रहती है, यहाँ के लोग कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, कितनी बिजी लोगों की ज़िंदगी है, देखो आप हर दिन कितने लोग सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर, वो देखो आप तो, है ना,
सही है यार भाई, क्या ही दिक्कत है। पानी बोतल ले लेते हैं भाई सबसे पहले तो एक का पानी। तो भाई अभी अपने लिए एक छाँक तक कोई दिक्कत नहीं आए, और अभी पार आ चुका है भाई, विकास भी आ चुका है, तो अभी निकल रहे हैं सीधा गांव के लिए, है ना। और काफ़ी सही व्यू आता है लेकिन भाई स्टेशन का है ना, पॉजिटिव वाइव आती है भाई एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ठेले रहते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो खाने पीने के, वो काफ़ी मस्त लुकिंग देते हैं। यहाँ पे स्टेशन में मैं दिखाता हूँ, देखो आपको पास का नज़ारा है ना, इस प्रकार से जो होते हैं ना ये चीज़ें होती है ना भाई, तो ये वाइब दिलाती है आपको कि आप रेलवे स्टेशन पे चल रहे हो अभी, है ना। सही है ना, आ गया। हाँ चुके हैं फाइनली घर पे, और भाई मिलते हैं कल, बाय बाय।